In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful, praise be to Allah who gave us power and courage to speak and listen. Going to deliver a second lecture today. The topic of today's second lecture is the first topic of second year physics, that is Coulomb's law. Coulomb was a basically physicist and the complete name is Charles Ernest D. Coulomb. Coulomb law ke andar electrostatic force aur unit of electric charge ko discuss kiya gaya. Next. Agar hamare paas do charges hon, Q1 Q2. मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हूँ और वो अनलाइक चार्जेस हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो. नेक्स्ट, अगर दो लाइक चार्जेस हूँ उनके लिए फोर्स आपके सामने है, अगर दो अनलाइक चार्जेस हूँ तो फोर्स आप देख रहे हैं. दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी लेकिन जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो F1 इज इक्वल टू -F2 होगा. मैग्नीट्यूड में होगा तो बोथ आर इक्वल होगा. तो कॉलम ला की कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी जब इसको देखते हुए. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अब पॉइंट चार्जेस क्यों, कि ये दो चार्ज हम अंडर ऑब्जर्वेशन है हमारे, इसलिए हम इनको पॉइंट चार्जेस बोलते हैं. टेस्ट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस. K इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट. नेक्स्ट, K को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट. इससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर एक Q1 चार्ज है तो Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो इसके लिए फोर्स होगी F12. अगर एक Q2 चार्ज है तो Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो F21. ये दोनों फोर्स ऑफ रिपल्शन शो करेंगे. नेक्स्ट, K इज इक्वल टू 104 पे एप्सिलॉन नॉट होगा जब वो वैक्यूम होगा, एयर फ्री होगा, तो उस चीज़ को हम वैक्यूम बोलते हैं. अगर उसके अंदर कोई मीडियम है यानी एयर है तो उसके लिए K की वैल्यू, K इज 104 पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, यानी उसके अंदर कोई एयर है, मीडियम है, मौजूद है कोई ना कोई चीज़. तो इन दोनों के इक्वेशन में चेंजिंग जो होता है FM इज इक्वल या FM डिवाइड बाई FV इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, यानी रिलेटिव परमिटिविटी. अगर एयर है तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी फॉर स्पीस यानी एयर होगी 1.006. नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाई 10^-12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. के को जब डिस्कस किया जाएगा 9 N/9 Nm² / C² हो जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे. यहाँ पे जो मीडियम है, जो भी मीडियम होगा उसके लिए ये कांस्टेंट वैल्यू होगी रियलिटी परमिटिविटी की, यानी एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी. एयर है तो उसकी वैल्यू लिखी है 1.006. नेक्स्ट पॉइंट टू थिंक अबाउट, डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल. यहाँ पे हमने ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करते हैं, यानी पॉजिटिव की तरफ जाएंगे या नेगेटिव की तरफ. अब आपको हिंट दिया जाता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है. पहले तो आपने ये सोचना है, उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. थैंक यू.